स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट दोनों पार्ट मैंने क्वेश्चंस के लिख रखे हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है। अब ये जो क्वेश्चन 9th में हमने आइडेंटिटी को वेरीफाई किया था उसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज करना है। देखिए स्टूडेंट क्या आइडेंटिटी है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ये, ए प्लस बी। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहले क्यूब में प्लस है तो यहाँ पहला सिंगल में हमने प्लस किया, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ए क्यूब बी क्यूब ये प्लस, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में आएंगे और ये प्रोडक्ट खाली माइनस में आएगा। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट आइडेंटिटी, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक जो आइडेंटिटी हम पहले कर चुके हैं ए प्लस बी होल क्यूब की, ये वाली आइडेंटिटी अलग है, ए प्लस बी होल क्यूब वाली, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वो क्या थी आपकी, एक बार मैं बता दूं आपको, ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी होल क्यूब को हमें एक्सपैंड करने के लिए कि दो नंबर्स यहाँ पर 2x + 3y सपोज उसको एक्सपैंड करना है उसके लिए है, और ये आइडेंटिटी सिंगल ए क्यूब सिंगल बी क्यूब फैक्टराइज करने के काम आती है। तो हम इस आइडेंटिटी को फोकस करें। नाउ लिसन, हमारा ए क्यूब क्या होगा, यहाँ 27 को हम क्या लिखें, 3y का होल क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 125 यानी कि 5z का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब हमने ए प्लस बी को वर्कआउट कर लिया तो हमारा ए प्लस बी मीन्स 3y प्लस 5z। नाउ ए स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर होल स्क्वायर लगाना है। नाउ 3y प्लस 5z देन दिस इज 9y स्क्वायर दिस इज 15yz प्लस 25z स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, देखिए इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसको फैक्टराइज किया है। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, दिस इज 64mq माइनस 343nq। नाउ स्टूडेंट सी, यहाँ माइनस है तो मींस कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वो क्या होती है, a माइनस बी, जैसे पिछली वाली में ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ सिंगल में माइनस है, देन यहाँ अपोजिट होगा, ए स्क्वायर ये माइनस है तो यहाँ प्लस में प्रोडक्ट देन बी स्क्वायर। यू कैन कंपेयर द प्रीवियस आइडेंटिटी जो कि क्या थी, प्लस में, तो यहाँ भी प्लस में लेकिन प्रोडक्ट माइनस में था, अब यहाँ माइनस माइनस तो प्रोडक्ट ये प्लस में है। नाउ देखिए स्टूडेंट, ये किसका क्यूब है, 4m का, और ये है 343 7n का। a माइनस बी मीन्स 4m माइनस 7n देन a स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी हमारा क्या है 7n स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 4m माइनस 7n एज इट इज जैसा है, अब ये आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस दिस इज 28mn एंड दिस इज 49n स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट।